अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिब तारी। आज हम लीगल रोड में मौजूद हैं। यहाँ पे हमदा शबाज शरीफ की पेशी है, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश भी पड़ा हुआ है, कितने ज़्यादा कारकुनान आए हैं और नवाज शरीफ का जो है ना वो तराना भी बजा रहे हैं। देखते हैं, उस्मान बुखारी भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि हुकूमत को कितनी देर है जाने में। आइए, जमरान नजीर मौजूद है और आप देख सकते हैं उस्मान बुखारी भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज हमदा शबाज शरीफ की पेशी है और इस मौके पर क्या। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भैया, आज पेशी है, जैसा कि आपकी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए। देखिए, हमदा शबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहबा हों, मियां नवाज शरीफ साहब की पेशियाँ हों, साद भाई की, सलमान भाई की हों, यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं पिछले 3 साल से पेशियाँ ही देख रहे हैं और इंशाल्लाह अब वक्त बदलेगा और अब पेशियाँ किसी और की होंगी और हम बाहर रह के इंजॉय करेंगे। तो अब जैसा कि कारकुन पूरे पुरजोश में नज़र आ रहे हैं, तो अब कारकुन के हवाले से क्या पैगाम देंगे। देखें, ये वो कारकुन हैं जो शीशा पलाई दीवार की तरह डट के खड़े हैं। ये जो बरयानियों वाली बातें करते थे ना, ये चूरी खड़ने वाले मजनू नहीं है, ये खून देने वाले साथी हैं और ये अपना खून और पसीना दे रहे हैं और इस मुल्क को न्याजी और उसके लुटेरों से भगा कर दम लेंगे इंशाल्लाह। ये जैसा कि देख रहे हैं हुकूमत का मसल का टफ टाइम आप दे रहे हैं, तो जाती नजर आ रही है हुकूमत। देखें, हुकूमत हमारी वजह से नहीं जानी, अपनी करतूतों और अपनी नाहलियों की वजह से जानी है और इंशाल्लाह ये ऐसे जाएंगे कि फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा कि आप देख रहे हैं पूरा कारकुन पूरे जोश में खड़े हुए हैं, आपके साथ जो कि लेडीज भी यहाँ पे मौजूद है, हुकूमत को क्या पैगाम। हुकूमत को पैगाम है कि अपना बैग पैक करें और दफा हो जाए। काफी देर से नून लीग पीछे पड़ी हुई, अभी हुकूमत जो है ना नहीं जा रही। भाई, हम आईनी और कानूनी रास्ते से इसको घर भेजना चाहते हैं। अगर इमरान खान वाला रास्ता अपनाया होता जो 6 महीने के अंदर घर चला गया होता। हम एक जिम्मेदार अपोजिशन है और जिम्मेदारी का जो है वो सबूत दे रहे हैं, लेकिन इसकी खुद के हालात बहुत माड़े हैं। इसका जो तख्त जिन ईंटों पे खड़ा था वो ईंटें पुर गई हैं, तो अब इसके जाने का वक्त आने वाला है, जाने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अवाम तंग आ चुकी है, अवाम दुआएं मांग रही है कि कब बचाएंगे और कब अवाम की जान छूटेगी। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सर, यहाँ पे आप आए हुए हैं हमदा की पेशी पे, तो हुकूमत क्या टफ टाइम देंगे। ये हम हमजा साहब की आज डेट है, उसकी इजहार के लिए हाजिर हुए हैं और इंशाल्लाह ये जो आज दुनिया इतनी आई हुई है, वहाँ आई हुई है, ये एक दफ़ा गवर्नमेंट को हिला के रख देगी और इंशाल्लाह वक्त चेंज होने वाला है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो नून लीग की हुकूमत फिर से आना जो है ना लाजमी होगी। जी बिल्कुल लाजमी होगी, इंशाल्लाह बहुत थोड़ा टाइम रह गया, इंशाल्लाह नून लीग दोबारा आएगी इंशाल्लाह। जी सर, आप पैगाम देंगे। भाई यही है, हम लोग हर तारीख पे तारीख आ रही है और कुछ साबित भी कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही दोबारा इक्तदार में आएगी इंशाल्लाह। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कारकुन पुरजोश खड़े हुए हैं, जो नारेबाजी हो रही है। आपने देखा है कि क्राउड देख रहे हैं कि काफ़ी लाहौर से क्राउड आया हुआ है, यानी कि मियाँ शबाज शरीफ की भी तारीख पे आया था, अब मियाँ हमदा की तारीख पे भी आप लोग देखेंगे जोश व खरोश है लाहौरियों का। थैंक यू सर, आपसे बात कर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जोश व खरोश है पूरा यहाँ पे, हमदा की पेशी है तो इतने कारकुन यहाँ पे मौजूद। जी नाज़रीन, यहाँ पे मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान मौजूद है, इनसे पूछेंगे ये कारकुन पूरे जोश में है और हमदा शबाज शरीफ की पेशी है, तो हुकूमत को क्या टफ टाइम देंगे। हुकूमत को आप क्या टफ टाइम देंगे, यहाँ पे पूरे कारकुन जो है पूरे जोश में खड़े हुए हैं हमदा शबाज शरीफ। हुकूमत तो किसी हुकूमत नाम की चीज़ तो कोई है ही नहीं, बस हमारे पे एक ज़बरदस्ती मुसल्लत किया एस्टैब्लिशमेंट, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और ये जब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और लोग अपने वोट की ताकत से नाअहलों को निकाल के बाहर फेंकेंगे और इंशाल्लाह ताला ये झूठे मुकदमे, ये नैब गर्दी, FIA गर्दी, पुलिस गर्दी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द करीब है जब हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की सरबराई में फिर से इस मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। जैसा कि सर आप देखेंगे पूरा कारकुन पूरे जोश में खड़े हुए हैं, अब कारकुन बता रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, सिर्फ थोड़ा ही टाइम रहेगा, तो इसके बारे में आप कहते। जी अब ये आखिरी दिन है, इनका जो है वक्त गिना जा चुका है और ये आप इंशाल्लाह देखेंगे ये बजट के बाद आपको पंजाब से तब्दीली नज़र आएगी और फिर वो इंशाल्लाह वफाक में भी आपको तब्दीली नजर। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है ना इस टाइम जो ना जो नून लीग के पूरे चीफ एडिटर जो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, यहाँ पे पूरे जोश कारकुन जो कि नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये टफ टाइम देना जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला ये वाम का ठठो मारता हुआ समुंदर
आज इस बात का पैगाम है पीटीआई हुकूमत को और नारायण न्याजी को कि आप इसके दिन गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जो मुल्क के ऊपर नौसत आ रही है, ये माम की बात दुआएँ इतनी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी रियासत ने इतनी बात दुआएँ जिस बंदे के पीछे हैं, इंशाल्लाह ये दलील भी होगा। इसने पाकिस्तान की कौम को दलील किया, ये खुद दलील होगा, इसकी पूरी चीज लीलो ख्वार होगी अल्लाह के फजल करम से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनून का एक इकदार फिर आएगा इंशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ जीर आजम होंगे, मियां शहबाज शरीफ जीर अल्लाह होंगे इंशाल्लाह, उसी तरह एक इकदार में आके हमजा साहब इंशाल्लाह ताला उन्होंने इस कौम की खातर रात दिन जो मेहनत की है वो सुनहरी रूप में लिखने के काबिल है। और अल्लाह के फजल से जी नाजिन देखा कि आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ हमजा शहबाज शरीफ की जो पेशी थी यहाँ पे कार्टून पूरे जोश में जो है ना नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपने मेजबान आकिब तारिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।